बैक टू माय न्यू ब्लॉग हर हर महादेव। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में है कबूतर और इसको लेकर के मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ साइकिल यात्रा में। तो ये जो है मेरे साथी रहेगा एनी टाइम और इसको लेकर मैं केदारनाथ साइकिल यात्रा करने जाऊँगा। और अभी जो है मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे को हल्द्वानी जाना है अभी, तो हल्द्वानी से मैं टेंट लाने वाला हूँ और रुद्रपुर सिटी के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ मतलब लेने वाला हूँ मैं, वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इस ब्लॉग को एंड तक देना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपका भाई केदारनाथ की साइकिल यात्रा करने वाला है। तो अभी जो है कबूतर मेरे साथ है और मैं चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग की साइकिल यात्रा करूंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे समय की होगी। तो आप लोग YouTube पे बहुत अच्छे से सपोर्ट दिखाना और आपके भाई को अपना प्यार दिखाना बहुत अच्छा करके, और शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इस ब्लॉग को एंड तक देना, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाली है। तो अभी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और देख सकते हैं कबूतर है, कबूतर को भी मैं घर पर रख के जाऊँगा बाइक से और एक दोस्त और मैं जाने वाला हूँ। तो ये हमने टेंट यहाँ से ले लिया है, यहाँ पे कैंपिंग का सारा सामान मिलता है देख सकते हैं। तो अभी 2% वाला हमने कैंपिंग मतलब टेंट लिया है यहाँ पे, तो भैया पैक कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे अमन भाई बैठे हैं। हेलो। हमने एक स्लीपिंग बैग भी लिया देख सकते हैं और वहाँ पे टेंट, तो ये दो चीज लेके जा रहे हैं भैया पैक कर रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। हो गया पैक। ये पैक करना बहुत आसान है। बिल्कुल। तो फाइनली अभी हमने मतलब कैंपिंग का सामान जो वो ले लिया यहाँ पे, स्लीपिंग बैग लिया और टेंट लिया, तो अमन भाई साथ में, तो यहाँ पे इस दुकान पे लिया है। तो ये दुकान जो है हल्द्वानी में पड़ती है काठगोड़ा रेलवे स्टेशन के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सामान, जितना भी आपको सामान चाहिए ट्रेकिंग का सारा सामान यहाँ पे मिलता है। और अभी यहाँ से लेके हम निकल रहे हैं, दो चीज़ें ली हमने, तो साथ में हमारे भाई आए थे ये रुद्रपुर से। तो अभी हम लोग चलते हैं और अभी एक चीज़ और है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, मस्त चीज़ है, आपको वो दिखाऊंगा मैं, और वो बस आपको लास्ट में देखने को मिलेगी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी है। तो अभी चलते हैं उस चीज़ को भी पिकअप करते हैं और आपको दिखाते हैं सारा कुछ, बस एंड तक देखते रहें। यार वीडियो मत बनाया करें। उन्होंने देखा कि मैंने टेंट और स्लीपिंग बैग लिया है, तो मैं बहुत सारा सामान लेने के लिए गया था, लेकिन ये जो कैंपिंग का ट्रैवलिंग का जो सामान है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे लग चाहिए इस चीज़ों के लिए। तो मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो मैंने एक टेंट खरीदा और स्लीपिंग बैग, और अभी एक चीज़ और है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, वो भी मैंने खरीद रखी है और अभी तक घर नहीं लाया हूँ, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और मैं चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करूँगा, पूरा भारत मतलब घूमना है क्योंकि भारत में चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो मेरे को ट्रैवलिंग करने मतलब साइकिल से घूमना है। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग इस ब्लॉग को ज़्यादातर शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और बस शेयर कर देना इस ब्लॉग को और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, और क्या स्पेशल है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बस सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर देना।